जो हमारे अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने प्रेसी के बारे में पढ़ा है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट कैसे की जाती है, हाउ डू यू इनिशिएट और हाउ डू यू स्टार्ट attempting a particular pressy, what is the first thing that you do and what are the steps that are to follow after that. उसके बाद हमने comprehension के कुछ rules पढ़े थे, उसके बाद practice comprehension भी की थी 2, उसके बाद हमने किया है active and passive voice और बिल्कुल उसके साथ हमने direct indirect भी कर लिया था. So now I'm going to start with tenses. Let's see इसमें क्या है. 3 किस्म के हम लोग करेंगे. There are going to be variations of past, variations of present and variations of the future tense. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउन से. नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, ये जितने भी होते हैं आपके नाउन्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस एना इज अ नाउन, माय नेम मिशेल इज अ नाउन. थिंग्स, एनिमल्स के नाम हो गए, लायन इज अ नाउन, सिमिलरली अ मंकी इज ऑल्सो अ नाउन. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहने को तो ये मैं शुरू में कर लेती, बट आई मेड halfway through I realized that a lot of you might have issues with, for instance, what an adverb is or what an adjective is, इस तरह की चीज़ों के साथ. तो ये आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए before you go on for sentence correction, जो के बाद की स्लाइड्स हैं कि sentence correction में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, उसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि आपके tenses सही हैं या नहीं है. अच्छा, excuse my गला, थोड़ी मैं बीमार हूँ आज. फिर प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं. तो प्रोनाउंस आर बेसिकली वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउंस टू अवॉइड रेपिटेशन. मिसाल के तौर पे ही, शी, इट, वी, दे, अस, जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं ये प्रोनाउंस कहलाते हैं. ही कॉल्ड मी, ही वुड बी अ प्रोनाउन. लेट्स मूव टू एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट क्वालिफाइज और टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. बेसिकली ये एडिटिव वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मज़ीद और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर नाउन कैसा है, एक पर्टिकुलर प्रोनाउन कैसा है. फॉर इंस्टेंस, दिस इज़ अ गुड बुक. अब गुड इसमें एडजेक्टिव आ गया. शी इज़ अ काइंड लेडी. शी क्या आ गया? आपका प्रोनाउन. काइंड क्या आ गया? आपका एडजेक्टिव. वर्ब की तरफ चलते हैं. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज कंसर्न विद डूइंग और बीइंग. ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं. जैसे ही रन्स वेरी फास्ट. ठीक है, अब रनिंग इज बेसिकली एन एक्शन वर्ब. शी इज अ गुड राइटर. राइटिंग इज एन एक्शन वर्ब. अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके एडवर्ब्स. एडवर्ब्स बेसिकली डिस्क्राइब वर्ड्स जो कि मॉडिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स. ठीक है, उसको आपके नाउन या आपके एडजेक्टिव या वर्ब को मजीद मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो वो आपके एडवर्ब्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस, दे टॉक्ड प्लेजेंटली. प्लेजेंटली वुड बी एन एडवर्ब. This is a very large house. He ran too fast. In all of these sentences, you're basically adding an adverb to increase or to basically modify the meaning of a particular verb or an adjective or an adverb. ठीक हो गया. उसके बाद आ गई preposition. अभी तक जो मैं आपको करा रही हूँ, they're very basic definitions of very basic things. आगे आपके tenses आपके बाद में आते हैं, लेकिन ये 4-5 चीजें जो है ना कि clear होनी चाहिए कि क्या चीज क्या है. Preposition क्या है? Word places before a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted stands in relation to another, some other person or thing. So कोई भी बंदा या कोई चीज जिसको आप रेफरेंस दे रहे हो, उसका क्या ताल्लुक है to some other person or a thing. For example, a book. Where is the book? On the table. Table के ऊपर है. Now on is basically joining or it's describing the relationship that the book has with the table. ठीक हो गया. Prepositions basically ये करते हैं. फिर आगे आपके कंजंक्शंस. कंजंक्शंस आपके बेसिकली बहुत आसान है, ये याद रखने की जरूरत है कि ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. दे जॉइन टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, एंड, मिशेल एंड उस्मान. एंड वुड बी अ जॉइनिंग वर्ड, इट वुड बी अ कंजंक्शन. बट, शी कॉल्ड मी बट शी स्पोक टू फास्ट. बट वुड बी, बट इज जॉइनिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस. ठीक है, बिकॉज she called me because she wanted to talk to me. Because is joining the call and the reason for that particular call, because she wanted to talk to me. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं interjections. Interjections क्या होती है? Basically feelings होती हैं. For example, alas, wow, ठीक है, yikes, you're scared, you're excited, you're happy. They basically describe your particular feelings. फिर आ जाते हैं last में articles. Articles are very simple. जैसे a, an, the, जितने भी आपके इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं. ठीक हो गया. यूजुअली टुवर्ड्स द स्टार्ट, ऑल्सो टुवर्ड्स द मिडल ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड. ठीक हो गया. शी सॉ अ बर्ड. ठीक है, अ वुड बी एन आर्टिकल. अच्छा जी, ये आपकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस हो गई. उसके बाद आपके आ जाते हैं टेंसेस. सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी सबसे पहले आ जाती है असर्टिव. तीन किस्म के करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. सबसे पहले असर्टिव की तरफ आते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. असर्टिव में आपका सब्जेक्ट आ जाता है, वी इज योर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट. ठीक है, ईट क्या है, आपका पहला फॉर्म है वर्ब का. ठीक है ना, और वर्ब आपका क्या है, ईट. और ऑब्जेक्ट आगे आपके मैंगोज. शी सब्जेक्ट टेल्स बता रही है, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अ स्टोरी. ठीक है, स्टोरी वुड बी एन ऑब्जेक्ट. उसके बाद आ जाता है आपका नेगेटिव. नेगेटिव क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी अगला हमारा आ गया नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तीसरा सब्जेक्ट आपका आ गया वी, डू नॉट आ गया साथ में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, और ऑब्जेक्ट आपका आ गया मैंगोज. मतलब कि इस तरह से आपका नेगेटिव में आ जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. फिर शी डज नॉट टेल अ स्टोरी. शी वुड बी द सब्जेक्ट, डज नॉट आपका यहाँ से आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका आ गया टेल, एंड ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरी. बेसिकली ये आपको बताता है कि आपका सीक्वेंस क्या होता है फर्स्ट सेंटेंस, जो नेगेटिव में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक हो गया. फिर आ गया आपका इंटरोगेटिव, डज और डू प्लस सब्जेक्ट, वी आपका सब्जेक्ट आ गया, डू आपका यहां से आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया ईट, एंड ऑब्जेक्ट आ गया आपका मैंगोज. ठीक है, सो डू वी ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव आ गया. ये आपको जानने की जरूरत है कि टेंसेस के ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन टेंसेस को कवर कराने का मकसद मेरा ये है कि आपके टेंसेस जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि अगर आपने सेंटेंस करेक्शन करनी है तो आपने कैसे करनी है. ठीक हो गया. और बेसिकली एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन दैट कम्स, तो आपको पता हो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक हो गया. फिर आ जाता है सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसमें सबसे पहले असर्टिव आ जाता है, सब्जेक्ट आई इज एम आर. अब इसमें सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा. सो एम इसमें आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है ये. तो आई एम टीचिंग अ क्लास, ऑब्जेक्ट आ गया, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग. इसमें जब आप नेगेटिव की तरफ देखते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया. ठीक हो गया. उसके बाद इज एम आर आ गया, फिर नॉट आ जाता है बिकॉज नेगेटिव है, नॉट आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके जो भी है उसके साथ आई एन जी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब आई एम नॉट टीचिंग अ क्लास. ठीक है, नॉट आ गया, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है. फिर आ गया आपका इंटरोगेटिव. उसमें सबसे पहले आपका इज एम आर आ जाता है प्लस सब्जेक्ट आ जाता है जो आई वी जो भी है प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई एन जी. ये तो डन चीज़ है कि कंटिन्यूस के साथ आई एन जी आपका आर है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आई एम आई टीचिंग अ क्लास, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, यूजेस क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, कि आप इस प्रेजेंट या करंटली बात कर रहे हो कि अभी मैं क्या कर रही हूँ. ये आपकी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है. एक्शन इज प्रोग्रेस, नॉट एग्जैक्ट एट द एग्जैक्ट टाइम स्पीकिंग. आप डेफिनेटिवली आप करते क्या हो, डेफिनेटली आप प्लान करते हो फ्यूचर एक्शन को इसमें व्हेन यू यूज दिस. ठीक हो गया. दीज आर सम ऑफ द यूजेस, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो इवन इफ यू डोंट वांट टू डू देम इट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक हो गया. इसमें सबसे पहले आ गया असर्टिव, ये तीसरी फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें सबसे पहले, इससे आपकी निशानी है, आपको याद रहेगा सेंटेंस किस टेंस में बात कर रहा है. सब्जेक्ट यू, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यू हैव इंसल्टेड मी, she has done her work. ठीक है, नोटिस कीजिएगा कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, इंसल्टेड, डन, ठीक हो गया, जो कि तीसरी फॉर्म होती है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, साथ में हैज, हैव, प्लस नॉट, बिकॉज नेगेटिव में है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू हैव नॉट इंसल्टेड मी, शी हैज नॉट डन हर वर्क। ठीक है, अब डन और इंसल्टेड जो है इसमें थर्ड फॉर्म आ गई। नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव में है, और हैज और हैव लाजमी आता है इसमें। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर आगे आपका इंटरोगेटिव, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू इंसल्टेड मी? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में है तो इंसल्टेड तीसरी फॉर्म है। हैज शी डन हर वर्क? क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। इसके यूजेस अगेन यू डोंट नीड टू नो देम, बट जस्ट फॉर आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट लाउड विद वर्ड्स येट, एज येट, सो फार, ऑलरेडी, सो फार। ठीक है, इन अल्फाज के साथ आप ये यूज करते हो। रिसेंटली कंप्लीटेड जो एक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वो एक्शन जिसका टाइम इज नॉट गिवन, एंड an action that began in the past and is still going. ठीक है, for example, she has not done her work. उसने नहीं किया अपना काम, और अब आगे वो बता रहा है कि कंटिन्यू हो रही चीज। And adverbs of time denoting the past not used in this tense. ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी जो हमारी फॉर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें सबसे पहले आ जाता है assertive, इसमें subject प्लस हैज बीन या हैव बीन आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इट, सब्जेक्ट, हैज बीन, रेनिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी साथ लगा दो, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सिंस और फॉर आता है, 2 आवर्स, 2 घंटे से। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock। ये 2 इसकी एग्जाम्पल्स है। सिमिलरली जिस तरह इसका assertive है, इसका नेगेटिव भी इस तरह ही होगा, और इंटरोगेटिव भी इस तरह से होगा। ठीक है, आई लीव इट अप टू यू टू सॉल्व दिस एज एन एक्सरसाइज, टू कम अप विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस दैट आर इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर ओवर हियर, और जो अगली जो हमारा लेक्चर होगा टेंसेस का, उसमें आई एम गोइंग टू बिगिन विद पास्ट एंड द फ्यूचर टेंस। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट टेंस एंड ऑल ऑफ इट्स वेरिएशंस, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस आ जाती है। अगेन वही इसका प्रोसेस है, 3 इसके तरीके होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहले असर्टिव की तरफ आते हैं। असर्टिव में सबसे पहले आपका आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जितने भी सेंटेंसेस दैट आर लाइक, ही केम हियर यस्टरडे, आई रोट सम पोएट्री, मैंने पोएट्री लिखी थी, सिंपल पास्ट टेंस है ये। सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, रोट, सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर नेगेटिव आ जाता है इसका, उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, प्लस डिड नॉट आ जाता है। डिड नॉट क्यों आता है? बिकॉज ये नेगेटिव में है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, ही सब्जेक्ट, डिड नॉट यहां से आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, ऑब्जेक्ट आपका आ गया। उसके बाद आप कर लेते हो आई डिड नॉट राइट सम पोइट्री। ठीक है, अब जितने भी सेंटेंसेज दैट आर गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दैट आर गोइंग टू साउंड लाइक ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, मैंने पोइट्री नहीं लिखी थी, वो यहाँ पे कल नहीं आया था। ठीक है, जितने भी ऐसे होते हैं दैट आर सिंपल पास्ट टेंस, और वो नेगेटिव में होते हैं। तीसरा आ गया आपका इंटरोगेटिव, उसमें सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही कम हियर यस्टरडे, डिड आई राइट सम पोइट्री, डिड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या मैंने पोएट्री लिखी थी, क्या वो यहाँ पे कल आया था। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चंस है। ठीक हो गया, ये यूजेस हैं कुछ, अगेन यू डोंट नीड टू नो देम, सिर्फ आपको इन टेंसेस का इस्तेमाल और रिकग्निशन आनी चाहिए, कि अगर कहीं कुछ लिखा हुआ तो आपको पता हो कि जी ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कि क्या है। यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। ठीक हो गया। यूजेस में आ गया एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, जो कि यूज टू पहले की बात है और हैबिचुअल चीज है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पास्ट के टाइम पे वो अगर बातचीत हो रही है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उसने मिसाल भी दी हुई है, ही क्राई ड्यूरिंग द मूवी। ठीक है, वो फिल्म के दौरान जो था रो रहा था। वर्ड्स विद पास्ट नॉर्मली होते हैं येस्टरडे, अगो, इस तरह के, ठीक है। टू एक्शन साइमल्टेनियसली, जिस तरह ही लाफ्ड व्हेन आई बेक्ड, इस तरह से। उसके बाद टू कंसेक्यूटिव एक्शंस, व्हेन आई हिट हिम ही शाउटेड, मैंने उससे मारा तो वो चीखा, ठीक हो गया। और टिल अंटिल भी इस्तेमाल होता है, सही है। दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। सबसे पहले उसमें आ जाता है असर्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज ड्राइविंग माई कार, दे वर चांटिंग स्लोगन्स। सब्जेक्ट आई वॉज वेयर, क्योंकि पहले की बात है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव प्लस आईएनजी, आईएनजी आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया कार, ठीक हो गया। आई वॉज ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। दे वर चांटिंग स्लोगन्स, क्योंकि पास्ट की बात है लेकिन कंटिन्यूअस हो रही है, मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक हो गया। दे वर चांटिंग स्लोगन्स, इसका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव अगेन जो मैंने छोड़े में, आई लीव इट अप टू यू टू फिगर आउट अ सेंटेंस दैट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बट इन द नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू नो। इंटरोगेटिव में वॉज वेयर सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। वेरी इजी, फॉर एग्जाम्पल वॉज एना ईटिंग एप्पल्स क्वेश्चन मार्क, इस तरह करके, ठीक है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस आ गया कि क्या एना सेब खा रही थी, ठीक है। कंटिन्यूस भी है फॉर्म है लेकिन पास्ट टेंस में। एक्ट, इसके यूजेस ये एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और व्हेन एज ही गॉट देयर, ठीक है। अगेन यूजेस डू नॉट नीड टू नो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्म्स। तीसरी आपकी फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसमें आ गया असर्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट हैड कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब माई वर्क बिफोर द डेडलाइन, ठीक हो गया। दे हैड रिटन अ लेटर टू मी, दे हैड रिटन, ठीक है, अ लेटर। इसका नेगेटिव है वो भी इस तरह ही आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट had, फिर not प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव had प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इस तरह नेगेटिव, और इसके सेंटेंसेस भी आप बना लें नेगेटिव इंटरोगेटिव के। फिर इसके कुछ यूजेस हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टू प्लेस, द मैच हैड बिगन बिफोर आई रीच द स्टेडियम। फिर अनफुलफिल्ड कंडीशनल भी होता है, शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, विश आई हैड पास्ड द एग्जाम, ठीक हो गया। अगली आ गई इसकी चौथी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। असर्टिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द होल मंथ, द चिल्ड्रन हैड बीन क्राइंग सिंस द मॉर्निंग। आपको नोटिस कर रहे होंगे कि दिस इज वेरी इजी, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंस होती है जो आपने बनानी होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है हर टेंस का, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव आप इसके बना लें, दे वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू कम अप विद सेंटेंसेस। जैसा मैंने पिछले का नेगेटिव बनाया था, इंटरोगेटिव बनाया था। अच्छा, अब आगे आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है या सिंपल टेंस आ जाता है। उसमें सबसे पहले असर्टिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल विजिट टुमारो, ठीक है। दे विल स्टडी, वो करेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में। नेगेटिव भी इसका आप बनाएंगे। इंटरोगेटिव इसका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विल दे स्टडी टुमारो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो स्टडी आएगा, ठीक है। विल दे ईट टुमारो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह के आप सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यूजेस क्या है, दिस इज वर्क प्लान फॉर फ्यूचर। कंडीशनल, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, ठीक हो गया। फिर आगे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले आ गया असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा जरूर। The movie will be releasing tomorrow. Movie कल release होगी. It will be raining next week. अगले हफ्ते बारिश होगी. Negative, they will not be travelling next week. Not आपका आ जाता है इसमें. ठीक है. Interrogative, will या shall plus subject plus be plus first form of verb plus ing plus object. You will make the sentence of interrogative over here. ठीक है. Again, you just need to add word. Subject की जगह कोई भी subject डाल दे. First form of verb की जगह कुछ भी डाल दे. First form anything, eat वगैरह. Object कोई भी डाल दे. Eat के साथ eating कर देंगे. तो खुद ही आपको समझ आने की एक sentence आपका बन जाएगा. Try it yourself. And if you have any issues, you're free to contact me. तीसरा आपका आ गया future perfect tense. इसमें पहले सबसे पहले assertive आ जाता है. Subject plus will shall plus have plus third form of verb plus object. She have या will. She will have traveled the world by then. I will have completed the task by then. Negative subject plus will shall plus not have plus third form of verb plus object. ठीक है. फिर आ गया आपका interrogative. Will या shall plus subject plus have plus third form of verb plus object. ठीक है. इन दोनों के sentences आपने खुद बनाने हैं. And you will show it to me. या आप मुझे बाद में मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये सही बनाए हैं या नहीं बनाए. फिर आगे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले इसमें आ जाता है असर्टिव. ठीक है. इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव. सबसे लंबा यही होता है फ्यूचर परफेक्ट जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं. हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर यू. अपॉलजीज, ये लॉन्ग है. She will have been weeping since 3 AM. Negative, interrogative. ठीक है. Negative भी आप इसका खुद बनाएं और interrogative भी आप इसका खुद बनाएं. ठीक है. Will shall plus subject plus have plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since for. ठीक है. ये बहुत आराम से बना लेंगे. Now these are all the basically tenses जो कि आपके काम आ सकती हैं, जो कि आपको recognize करने की अशद ज़रूरत है. Whenever you're working with tenses or sentence correction or anything for that matter. ठीक है. तो this is up to you. आप आराम से इसकी practice कर लें. जो problem आपको लगता है tense का या variation of a particular tense, you discuss it with me. You let me know कि आपको ये tense का problem है. लेकिन ये basic चीजें आपकी clear होनी चाहिए. I'm calling, maybe I'm selfish.